युवा कांग्रेस नेता व सरस्वती नगर से जिला परिषद सदस्य कौशल मुक्ता ने सरकार को चेताया है कि अगर बागवानों को उनके नुकसान का उचित मुआवजा नहीं मिला तो वह आगामी दिनों में धरने प्रदर्शन व हड़ताल से भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने मांग की है कि ऊपरी क्षेत्रों में बेमौसमी बर्फबारी और ओलावृष्टि से सब कुछ तबाह हो गया है, नुकसान का आकलन करना मुश्किल हो गया है क्योंकि कई जगहों पर पेड़ जड़ से ही उखड़ गए हैं तो कहीं ओलावृष्टि से पूरी फसल तबाह हो गई है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जिसकी 2000 से अधिक सेब की पेटियां होती थी उस बागवान की फसल इस तरह तबाह हुई है कि इस वर्ष उसकी 50 पेटियां होना भी मुश्किल है। ऐसे में जिन लोगों की आर्थिकी सेब की फसल पर निर्भर है वह पूरे साल कैसे गुजर बसर करेंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं मुंगटा ने सरकार से आग्रह किया है जो मुआवजे की राशि लोगों को मिलनी है उसमें पारदर्शिता हो क्योंकि जिसका करोड़ों का नुकसान हुआ है उसे कुछ राशि देकर भरपाई नहीं हो सकती है। वहीं केसीसी लिमिट पर लगने वाले ब्याज को भी सरकार को इस आपदा काल में माफ कर देना चाहिए ताकि बागवान परेशान न हो। मुक्ता ने कहा कि उनका पूरा वार्ड सेब बाहुल्य क्षेत्र में आता है, सभी लोग सेब पर ही निर्भर हैं। ऐसे में जब पूरी फसल ही तबाह हो गई हो तो लोग कैसे अपना गुजर बसर करेंगे, सरकार को इस पर सोचना चाहिए और उचित मुआवजा और राहत प्रदान करनी चाहिए। मुक्ता का कहना है कि अगर बागवानों को मुआवजा देने में आनाकानी की गई तो सरकार 2022 में अपना बोरिया बिस्तर भी तैयार रखे क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, तब सरकार को बागवानों की याद जरूर आएगी। बागवान यही अपील कर रहा है, मैंने भी एज अ जिला परिषद मेंबर अपने क्षेत्र की आवाज, यहाँ पर मैं सेब बहुल क्षेत्र से आता हूँ, हमने उपायुक्त महोदय को मैंने कहा कि हमारे जो क्षेत्र में नुकसान हुआ है तत्काल प्रभाव से उसमें वहाँ लोगों को मुआवजा तो दिया ही दिया जाए, परंतु उससे भी पहले आप अगर सरकार को, मैंने भी बताया, वो भी आप भी बताने का कार्य करें कि फौरी राहत के तौर पर जो केसीसी लिमिट पर हमारा ब्याज रहता है उसको माफ़ करने का कार्य किया जाए। ये हमारी पहली मांग है जो मैंने अपने उपायुक्त महोदय के सामने भी रखी है और हिमाचल प्रदेश सरकार से भी मैं आग्रह करता हूँ। दूसरा, हमारे क्षेत्र में ऐसा नुकसान आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे बुजुर्ग कहते हैं ऐसी बर्फबारी, ऐसी बेमौसमी बर्फबारी कभी नहीं हुई थी, फसल तो बर्बाद हुई हुई है, हमारे जो सेब के पौधे भी नष्ट होने का कार्य हुआ है, इसमें कि केवल एक साल नहीं बल्कि 5-10 सालों के लिए बागवान जो है चिंता में डूब चुका है कि पौधे नहीं रहेंगे तो फसल कहां से आएगी। इसीलिए मैंने सरकार से गुहार की है और मैंने डी साहब के माध्यम से विज्ञापन सौंप करके कहा है कि तत्काल प्रभाव से सबसे पहले तो केसीसी लिमिट पर ब्याज माफ कीजिए, उसके बाद छोटे बागवान से लेकर बड़े बागवान तक, यानी कि 100-200 बॉक्सेस प्रोड्यूस करने वाले बागवान से लेकर 10,000 तक जो है आपके बॉक्सेस प्रोड्यूस करने वाले बागवान को जो है राहत देनी चाहिए, क्योंकि हम वो बागवान लोग हैं जिन्होंने हिमाचल की इकोनॉमी को हमेशा स्टेबल करने का कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर किया है। आज हमको सरकार की आवश्यकता है, इसीलिए हम आपसे गुहार कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। जल्द ही अगला कदम ये रहेगा कि मैं धरने पर स्वयं, हम हाटकोटी से शुरुआत करेंगे, मेरे अपने वार्ड से शुरुआत करूंगा। बागवानों को इस वक्त नजरअंदाज करने का यह नतीजा होगा कि हम सरकार के खिलाफ जो है प्रत्येक प्रकार के बागवानों को इकट्ठा करने का कार्य करेंगे और इस सरकार को जो बागवानों को सपोर्ट नहीं करेंगे उनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन हाटकोटी से शुरू करके पूरे सेब बाहुल क्षेत्र और पूरे बागवान बहुल क्षेत्र में जो है इस सरकार के खिलाफ जो है एक प्रकार से यह बात बताई जाएगी कि यह बिल्कुल भी बागवानों की तेज सरकार नहीं है। एक पूरा धरना प्रदर्शन, एक पूरा माहौल सरकार के खिलाफ बनाया जाएगा। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।